दो या फांसी आप, करेगी उग्र आंदोलन। खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 से लगी जीवला बस्ती के लोगों के लिए स्थायी पट्टा की मांग को लेकर पूर्व महापौर प्रत्याशी रहे इंजीनियर दीपक पटेल ने रैली निकाली और स्थायी पट्टे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो तख्ती ली गई थी उसमें साफ लिखा है कि पट्टा दो या फांसी। स्थानीय लोगों ने पट्टे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं आम आदमी पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ चुके इंजीनियर दीपक ने कहा कि अगर एक माह के अंदर प्रशासन बस्ती के लोगों को स्थायी पट्टा नहीं देता तो उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि कुछ लोगों को उसी स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज भी पट्टा नहीं मिला है, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी जीवला बस्ती के लोगों के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं, अब पार्टी के प्रत्याशी रहे दीपक पटेल ने क्या चेतावनी दी है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जीवला बस्ती के लोगों के साथ में लगातार जिस तरह से जीवला बस्ती को पूरी तरह से न्याय संगत में ना रखकर लगातार जब चुनाव बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको यही कहते हैं कि जिस दिन चुनाव ख़त्म होगा अगले दिन आपका पट्टा आपके घर पर होगा। उसी पट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को वहाँ पे घर भी प्राप्त हुए हैं, कई लोगों को अस्थाई पट्टा कुछ दिनों पहले विगत कुछ वर्षों में दिया जा चुका है। पर जब स्थायी पट्टे की बात आती है तो आज तक जीवला बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। 70 साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं और ऐसा पता लगा है जिस तरह से पता नहीं आज के जबलपुर के जो व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं रीवा के अंदर, जिस तरह से सिविल लाइन को पूरी तरह से बेचने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर और कांग्रेस के महापौर लगातार कर रहे हैं, उन ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द जीवला बस्ती में भी बुलडोजर चलने वाला है और गरीबों का आसियाना फिर से संकट में आने वाला है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए? वहाँ पे लगभग 200 से 250 परिवार ऐसे हैं जो आज भी पट्टे के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो पट्टा नहीं उपलब्ध हो पाता तो आगे क्या करेंगे? हमारे जो ज्ञापन पत्र में मांग है कि 30 कार्य दिवस के अंदर यदि पट्टा प्रदाय हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अभी तो हम लोग कम संख्या में उपस्थित हुए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग यहीं पे टेंट पंडाल लगाकर, और क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वहाँ तो बुलडोजर चलने ही वाला है तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ही अपना घर बनाकर रहने का काम करेंगे।